अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। और ये क्वेश्चन है विच वी हैव टू प्रूव दिस प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। दिस क्वेश्चन इज बीन गिवन हेयर, इट इज़ 4 + 8 + 12 + 4n इज इक्वल टू 2n (n+1) एंड वी हैव टू प्रूव दिस प्रोपोजिशन बाई यूजिंग द मैथड मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू put this value n is equal to 1 for this one. So put n is equal to 1. अब हमारे पास जो चीज आ रही है 4n is equal to 2n (n+1) तो put value of n is equal to 1, you got 4, 1's a 4, 2n(1) (n+1) just put the value of n which is equal to 1. So here is n, we got 1, here is n, 2 ones are 2 (n+1). Now 4 ones are 4 2 ones are 2 plus 2 ones are 2 multiplied by 1 plus 1 2. ठीक है, तो 4 is equal to 4। तो 1 वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो प्रूफ हो रही है, इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे ये नंबर्स हम नहीं डालेंगे, सिर्फ n की वैल्यू जहाँ पे आ रहा है वो n की वैल्यू डाल लेंगे। और तो n के फॉर्म में जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों पे सेम होना चाहिए, तो हमने पहले कर दिया। नाउ हम क्या करते हैं कि लेट द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर लेट द proposition is true for n is equal to k. ठीक है, तो ये proposition n is equal to k के लिए, so now what this expression will become, this proposition will become 4 + 8 + 12 + ……+4n। अब n की जगह हम क्या लगा देंगे, n is equal to k लगा देंगे, तो 4k is equal to 2 k (n+1)। ये हमारे पास एक जो प्रोपोजिशन है k के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे n है या जहाँ पे यहाँ पे इस प्रोपोजिशन के अंदर k आ रहा है वहाँ पे हम k की वैल्यू डाल के, यानी क्या करेंगे, ये 4k है ना, अब k की जगह 4 और k+1 डाल देंगे और इससे जो चीज़ आएगी 4k+4, या इवन आप इसके साथ ये ये एक्सप्रेशन ही कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के साथ ऐड कर दें। ठीक है, ऐड 4n(k+1) टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 + 8 + 12 + 4k और 4n(k+1) इज इक्वल टू 2k(n)(k+1)। ये तो यही आ गया, अब उसके साथ हम ऐड कर देंगे 4n(k+1), ये उसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे और जहाँ जहाँ पे यहाँ पे k आ रहा है वहाँ पे k+1 आना चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं तो हमारा ये प्रोपोजिशन है वो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे k आ रहा है तो इस जो नई इसको इसका जो फाइनल कंक्लूजन आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वहाँ पे उसके अंदर k की जगह k+1 आना चाहिए, इधर भी k की जगह k+1 आना चाहिए, हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर ये कर लेते हैं, देखिए इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 ओके इसमें देखिए k+1 कॉमन है दोनों में, तो k+1 में कॉमन ले लेता हूँ और 2 भी कॉमन है, बिल्कुल ये 2 इधर भी है और इसके अंदर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया (n)(k+1) ये कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा ओके 2 (k), इधर k बचेगा k और इधर +2 बच जाएगा। इसकी वजह ये कि यहाँ पे हमने ये 2 बाहर निकाला हुआ है, ek+1 बाहर निकल चुका है, तो सिर्फ ek बच रहा है। ठीक है,
इस तरह से इसमें से के प्लस वन निकल चुका है बाहर और इसमें से टू निकल चुका है, तो एक प्लस टू बच जाएगा, ठीक है। तो हम उसको यू लिख सकते हैं कि ये फर्दर जो है ये टू एन टू के प्लस वन और ये हो जाएगा के प्लस वन प्लस वन। अब ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे, देखिए मैंने जो जैसे कहा था के आ रहा है तो यहाँ पे के प्लस वन, एग्जैक्टली के प्लस वन आ रहा है। ये टू है अपनी जगह ये टू, ये के, के की जगह के प्लस वन आ रहा है, इधर के है उसकी जगह के प्लस वन आ रहा है, और ये प्लस वन, ये प्लस वन आपके पास, तो एग्जैक्टली हमारे पास वही चीज़ आ रही है, यानी ये चीज़ आ रही है, लेकिन इसमें के की जगह के हमने के प्लस वन, यानी यहाँ पे देखिए k की जगह हमने k प्लस वन डाल के दोनों साइड के साथ ऐड किया, यही चीज़ जब हमने इधर कर ली तो k की जगह k प्लस वन आ रहा है, एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनली आ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि सो देयरफॉर लिख सकते हैं कि दिस प्रोपोजिशन इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कह सकते हैं कि P एन टू एन इज टू द प्रोपोजिशन, हम कह सकते हैं कि द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमने सॉल्व कर दिया मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने उसी मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ज़रिए इस प्रोपोजिशन को प्रूव करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि पुट एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। टू प्रूव दिस प्रोपोजिशन मैं ये कर लेता हूँ, चलें टू प्रूव दिस प्रोपोजिशन n इज इक्वल टू वन है, तो ये हमारे पास जो आ रहा है n इंटू एन प्लस वन की जगह ये वन इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री, वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस टू। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये वन प्लस वन टू, टू वन जो टू हो जाएगा, इस तरह से वन अपॉइंट थ्री, ये वन का कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री, ये थ्री और थ्री कैंसल, टू इज इक्वल टू टू, तो द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लेट that let the proposition is true for n is equal to k, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो proposition आएगी 2 plus 6 plus 12 plus n into n plus 1 इज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री एन एन टू एन प्लस वन। अब एन की जगह के लगाइएगा, एन इज इक्वल टू के, तो एन की जगह हम के लगा देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा वन अपॉइंट थ्री के एन टू के प्लस वन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि k की वैल्यू k प्लस वन डाल के जो भी चीज़ आएगी वो दोनों साइड पे हम ऐड कर देते हैं, वो क्या होगा देखिए हमारे पास आ जाएगा, या इसको यू कर दीजिएगा कि ऐड
ये के प्लस वन, के प्लस वन इंटू के प्लस टू हो जाएगा, ये के प्लस वन के प्लस टू हो जाएगा टू बोथ साइड्स। यानी इसके अंदर k की जगह k प्लस वन डाल के जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो दोनों साइड के साथ ऐड कर दीजिएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस k इन टू के प्लस वन प्लस ये ऐड कीजिएगा k प्लस वन और k प्लस टू, यही हम दूसरे साइड के साथ ऐड कर देते हैं। तो वन अपॉन थ्री के इंटू के प्लस वन, के इंटू के प्लस वन और के प्लस टू प्लस के प्लस वन और के प्लस टू दोनों साइड के साथ, इसके साथ और इसके साथ हमने के इंटू के प्लस वन, एक मिनट ये मेरे पास आ रहा है, ओके यहाँ पे k प्लस वन के इंटू के प्लस वन और के प्लस टू भी है, एक चीज हमने मिस कर दी है, k प्लस टू भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसके साथ ये जो एक्सप्रेशन ये वाला हमने दोनों साइड के साथ, इस साइड के साथ भी और इस साइड के साथ दोनों के साथ ये ऐड कर दिया। तो फर्दर हम इसी साइड को सॉल्व करेंगे, वन अपॉन थ्री अपनी जगह पे, इनमें देखें k प्लस वन के प्लस टू, के प्लस वन के प्लस टू कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं और ये ओके, बल्कि अगर मैं वन अपॉन थ्री भी कॉमन ले लूँ, ठीक है, जो कि हमारे पास इसमें नहीं होगा, तो इसके लिए फिर हम थ्री लगा देते हैं, वन अपॉन थ्री कॉमन ले, वन अपॉन थ्री के प्लस वन और के प्लस टू कॉमन ले लिया, लेकिन ये जहन में रख लिया कि वन अपॉन थ्री इसके पास नहीं है, हमने कॉमन ले लिया तो उससे फिर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, एक इधर बचेगा के, ठीक है, क्या बचेगा, और इधर हमारे पास चूंकि ये हमने पूरा कॉमन लिया हुआ है और साथ वन अपॉन थ्री जो कि इसके अंदर नहीं है वो हमने कॉमन लिया हुआ है, तो इसके लिए फिर हम थ्री लगा देंगे, क्योंकि हमने थ्री लिया हुआ है कॉमन जो कि यहाँ पे था नहीं, तो ये देखिए थ्री और थ्री आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमने उसके लिए फिर थ्री ले लिया, ये चीज वन अपॉन थ्री हमने इधर इसके अंदर तो वन अपॉन थ्री है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो इसका तो सही है वन अपॉइंट थ्री के प्लस वन के प्लस टू, ये कॉमन ले लिया, लेकिन इधर के प्लस वन के प्लस टू तो सही है, वन अपॉइंट थ्री नहीं है, तो इसकी वजह से हमने चूंकि यहाँ पे था ही नहीं और हमने कॉमन निकाला हुआ, तो इसके लिए हमने यहाँ पे थ्री लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉइंट थ्री के प्लस वन के प्लस टू, अच्छा इसको आप यूज कर दीजिएगा चूंकि बुक चले के प्लस टू है हमारे पास ऑलरेडी, तो ये के प्लस टू हो जाएगा और ये हो जाएगा के प्लस वन प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, बल्कि इसमें इसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस और कर दें, ये इस तरह से ये के प्लस वन आ रहा है और ये के प्लस वन हो जाएगा और ये k प्लस वन प्लस टू हो जाएगा। अभी देखिए कि जहां पे k है, जहां पे देखिए k है वहां पे k प्लस वन, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री k है तो k की जगह k प्लस वन, फिर यहां पे k है यहां पे k प्लस वन और फिर प्लस वन ही आ रहा है, और फिर यहाँ पे k है तो k प्लस वन प्लस टू, ये प्लस टू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास देयरफॉर This proposition is also true for n is equal to k plus 1. Therefore, हम कह सकते हैं कि जो proposition है वो is true for all natural numbers. ठीक है, therefore by the principle of mathematical induction
प्रोपोजिशन ये जो प्रोपोजिशन है ये वाला इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स तो ये क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर दिया।